তাহলে চাকরি চাকরিদের সামনে শুনি যে টোপা जी जनाब, अगेन मुझे कंफर्म करके बताइएगा कि मेरी वॉइस और प्रेजेंटेशन क्लियर है आपको, सो दैट वी शुड प्रोसीड। आवाज और प्रेजेंटेशन दोनों अगर क्लियर हैं तो हम आगे प्रोसीड करें। नंबर टू, नंबर थ्री ये है कि अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क मी राइट डाउन, अगर प्रीवियस टेक्निक्स में से भी है तो यू कैन आस्क। ओके, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो जो हमने चार अभी तक टेक्निक्स की वो क्या थी? रोटेशन मैनिपुलेशंस थी, मतलब हम रोटेट करवाकर मैनिपुलेट कर रहे थे। अब हम जो दूसरी टेक्निक्स है वो एक्सटेंशन मैनिपुलेशन टेक्निक्स है, और इसको हम कैसे परफॉर्म करते हैं उसको भी हम देख लेते हैं। एक्सटेंशन मैनिपुलेशन अगेन हम पहले देखेंगे पिक्चर। अगर आप पिक्चर में देखो तो शायद आप लोगों को ये लगे कि शायद हम इसको सेंट्रली मोबिलाइज कर रहे हैं, पोजीशन वही है लेकिन हैंड प्लेसमेंट थोड़ी सी चेंज है। वो क्या चेंज है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले पेशेंट प्रोन पोजीशन में है, नंबर वन थिंग। तो व्हाई दिस इज कॉल्ड सेंट्रल एक्सटेंशन मैनिपुलेशन उसको समझना लाजम है। हैंड प्लेसमेंट अगर हम देखें तो एग्जैक्टली हम लंबर स्पाइन के ऊपर है, और क्या थ्योरी का थोड़ा सा बैकग्राउंड देख ले कि क्या है। स्टार्टिंग पोजिशन पेशेंट काउच जो है वो एज लो होगा और पेशेंट प्रोन पोजिशन में होगा, नंबर वन थिंग होगा। काउच एट ए नी हाइट, मतलब जहां तक थेरेपिस्ट का घुटना आता है वहां तक काउच होना चाहिए, ठीक है, नंबर वन। नंबर टू, जो ग्रिप की जाएगी वो फर्स्ट मिडिल ऑफ द फिफ्थ मेटाकार्पल जो है वो अप्लाइड वर्टिकली, अप्लाइड वर्टिकली मतलब लॉन्गिट्यूडनली, कहां पर? बिटवीन टू स्पाइनस क्रोसिस। जितने बच्चे फिजिकली क्लासेस अटेंड कर चुके हैं उनमें मैंने एक चीज बताई थी, सेंट्रल मोबिलाइजेशन। सेंट्रल मोबिलाइजेशन मतलब दो स्पाइनस क्रोसिस के दरमियान जो इंटर स्पाइनस स्पेस होता है जब आप उसको मोबिलाइज करते हो, तो लंबर के केस में हम क्या रखते हैं? अपना अल्नर बॉर्डर रखते हैं, ठीक है, नंबर वन थिंग। तो हैंड प्लेसमेंट वही है। दूसरा हाथ क्या करेगा? द अदर हैंड रीइंफोर्स, दूसरा हाथ उसी एक पहले हाथ के ऊपर होगा ताकि थोड़ी सी ताकत मिल सके। उसके बाद देन हैंड इज ब्रॉट इनटू ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल पोजीशन, मतलब एल्बो एक्सटेंशन फॉर योर कंफर्ट। ये वही हैंड प्लेसमेंट है जो हम सेंट्रल मोबिलाइजेशन में परफॉर्म करते थे। आगे बढ़े, अब थेरेपिस्ट लीन्स फॉरवर्ड, थेरेपिस्ट आगे की तरफ आएगा, काउच के ऊपर आएगा और पेशेंट के ऊपर आने की कोशिश करेगा विद एल्बो एक्सटेंडेड, रीजन ताकि बॉडी वेट हो। द पार्ट ऑफ द बॉडी वेट टेक्स अप स्लैक, वो थेरेपिस्ट के जो बॉडी वेट है वो वजन देने में हेल्प करेगा। अगर आप किसी की बॉडी में एल्बो एक्सटेंडेड फॉर्म में पेशेंट के ऊपर हाथ रखे हुए हो और आप अपनी बॉडी उसके ऊपर ले आओ एल्बो एक्सटेंशन के साथ, तो बेसिकली स्पाइन किस में जा रही है? एक्सटेंशन में। और एक्सटेंशन में जाते ही अगर आप वहां पे थ्रस्ट देते हो तो एक्सटेंशन में लंबर स्पाइन है, थ्रस्ट आपने दिया, सेंटर सेंट्रली आप उसको मोबिलाइज कर रहे हो, सेंट्रली आप उसको थ्रस्ट दे रहे हो, क्योंकि मोबिलाइजेशन के एंड रेंज में जाके अगर आप फोर्स दोगे तो वो थ्रस्ट हो जाएगा। तो इसीलिए टेक्निक का नाम क्या? सेंट्रल एक्सटेंशन मैनिपुलेशन। क्लियर है? मैं आपको पिक्चर शो करता हूँ। रिमार्क्स, इफ ड्यूरिंग टेकिंग अप द स्लैक, अगर स्लैक लेते हुए मिसाल पेशेंट को पेन वगैरह हो, इफ
ड्यूरिंग द चेकिंग ऑफ सिलेक्ट पेशेंट फील्स अ पेन, पेशेंट को अगर फील हो इन द बटक और लम, द मेनूवर इज अबंडेंट। अगर जो पेशेंट को पेन हो रहा है उसके अलावा भी अगर थ्रस्ट देते हुए पेशेंट को पेन हो तो काइंडली टेक्निक पहले उसी वक्त छोड़ दो। इफ इट इज इम्पोर्टेंट जस्ट बिफोर द मैनिपुलेटिव थ्रस्ट नॉट टू लेज द सिलाई, ठीक है, ये चीज हमेशा याद रखनी चाहिए। अब मैं आपको पिक्चर दिखाता हूँ। अब अगर आप पिक्चर देखो तो पेशेंट जो काउच है जिसपे प्रॉन में लेटा हुआ है वो थेरेपिस्ट के घुटने तक आ रहा है, नंबर वन थिंग, ताकि थेरेपिस्ट कंप्लीटली पेशेंट के ऊपर आ सके, नंबर वन थिंग। अगर आप राइट हैंड देखो तो राइट स्पाइनस प्रोसेसिस के दरमियान जो स्पेस है उस पर रखा हुआ, मतलब आप समझ लो कि 4-5 के दरमियान या 3-4-4 के दरमियान, और लेफ्ट जो दूसरा लेफ्ट हैंड है वो राइट हैंड के ऊपर रखा हुआ है। सबसे पहले पेशेंट थेरेपिस्ट ने थोड़ा सा आगे की तरफ झुकना है, अपने एल्बो एक्सटेंशन में रखनी है ताकि स्लैक हो, ताकि बॉडी का वेट ट्रांसफर हो। फिर वेट ट्रांसफर करके स्पाइन को मैक्सिमम एक्सटेंशन में आप जहां तक जा रहा वहां तक लेके जाइए। अगर बॉडी से आपने थ्रस्ट दिया तो ये सेंट्रली एक्सटेंशन मैनिपुलेशन कहलाएगी। क्लियर है या कोई कंफ्यूजन है, कुछ पूछना है इससे रिलेटेड? ओके, अगर कोई कंफ्यूजन नहीं है तो हम यूनिलेटरल पे आ जाते हैं। यूनिलेटरल में सेम पोजीशन होगी, सेंट्रल प्रेशर वाली पेशेंट की पोजीशन सेम होगी, बस फर्क सिर्फ ये होगा थेरेपिस्ट की एंड प्लेसमेंट चेंज हो जाएगी। थेरेपिस्ट ने सबसे पहले राइट या लेफ्ट को चूज करना है, जिस तरफ थ्रस्ट देना है आपने। और अगर आपने राइट साइड थ्रस्ट देना, मैं आपको पहले पिक्चर दिखा देता हूँ, अगर आपने राइट साइड थ्रस्ट देना है जिस तरफ पेशेंट की पोजिशन है तो आप खड़े लेफ्ट साइड से होंगे, ये चीज हमेशा याद रखिएगा। अगर आपने लेफ्ट साइड थ्रस्ट देना तो खड़े आप राइट साइड पे होंगे। क्यों उसको यूनिलेटरल कहा जाता है? क्योंकि ये एक तरफ थ्रस्ट दिया जाता है, जिस तरह हम यूनिलेटरल मोबिलाइजेशन करते हैं, ठीक है। अब थोड़ी सी थ्योरी समझ लो कि लेफ्ट साइड पे थ्रस्ट देने के लिए सर पेशेंट ने राइट साइड पे खड़े होना, और राइट साइड पे प्रेशर देने के लिए लेफ्ट साइड पे खड़े होना। अगेन पार्ट ऑफ द बॉडी वेट स्लैक फील करेगा, थ्रस्ट देगा, और मैनिपुलेशन थ्रस्ट दिया जाएगा एंड रेंज में विथ स्ट्रेट आर्म की तरफ दिया जाएगा डाउनवर्ड। स्ट्रेट आर्म मतलब एल्बो एक्सटेंडेड के साथ विद द पिसिफॉर्म बोन, जिस तरह हम ट्रांसवर्स के ऊपर मोबिलाइज देते हैं। अ स्लाइट रिवर्स ऑफ स्कैन इज टेकन अप, मतलब आपने पिसिफॉर्म बोन ट्रांसवर्स प्रोसेस के ऊपर रखी, उसके बाद आप उसको रोटेट करोगे जिस तरह हमने थोरेसिक में मोबिलाइजेशन की थी। जैसे आप उसको रोटेट करोगे तो उसकी जो स्किन है वो रिमूव हो जाएगी और आप डायरेक्टली किसके ऊपर आ जाओगे, मसल्स हट जाएंगे और डायरेक्टली आप बोन के साथ कॉन्टेक्ट में आ जाओगे। दिस इज हाउ वी डू। सो विद इन द पिसिफॉर्म बोन से क्या होगा, अ स्लाइट रिवर्स ऑफ स्कैन टेकन अप, आप उसको मोबिलाइज करोगे स्किन हटा के, देन पैरा जो पैरा स्पाइनल मसल्स हैं उसको पुश करके आप डायरेक्टली बोन के ऊपर, हैंड इज पुल्ड बैकवर्ड फॉर एनी बोनी कॉन्टैक्ट। बोनी कॉन्टैक्ट में जैसे ही आ जाओगे तो आपने मेक श्योर थ्रस्ट आपने उतना देना है जो पहले उसकी मूवमेंट फील करनी है, वरना आप ये है ट्रांसवर्स प्रोसेस को भी फ्रैक्चर कर सकते हो। तो आपने पहले सबसे पहले जिस तरह हम थोरेसिक में फिजिकल क्लासेस में सीखा था हमने कि सबसे पहले आप एंड रेंज को चेक करोगे के कितनी वो मुझे जाने की इजाजत दे रहा है, उसके बाद फिर जैसे आपने फील किया फिर आप दूसरा हाथ रखोगे और उसी पे आप थ्रस्ट दोगे। थ्रस्ट कहाँ से दोगे, बाजू से नहीं, अपनी बॉडी को लीन फॉरवर्ड करके अपने एल्बोज एक्सटेंड करोगे, पेशेंट के ऊपर आओगे, बॉडी का वेट ट्रांसफर करोगे, बैलेंस मेंटेन करोगे, तो थ्रस्ट ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब आप इस पिक्चर को देखो, अब इस पिक्चर्स को देख के कोई भी बोल सकता है कि जो थ्रस्ट पेशेंट दे रहा है, पेशेंट के ऊपर आ रहा है, वो राइट साइड पे आ रहा है, लेकिन पेशेंट थेरेपिस्ट कहाँ से आ रहा है, लेफ्ट साइड से आ रहा है। इन चीजों को समझ में लाजम है। तो दिस इज व्हाई दिस इज कॉल्ड यूनिलेटरल, क्योंकि ये सेंटर में नहीं दी जाती, ये एक तरफ स्पाइनस प्रोसेस पे दी जाएगी या फेसेट जॉइंट पे दी जाएगी, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड यूनिलेटरल। अब मुझे बताओ कि कोई कंफ्यूजन या कोई क्वेश्चन है? तो अब हमने दो एक्सटेंशन मैनिपुलेशन परफॉर्म की, एक यूनिलेटरल और एक आपकी सेंट्रल। ओके, टिल नाउ दोनों तक कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क मी, नहीं तो हम आगे प्रोसीड करें। यूनिलेटरल में जो हैंड पोजीशन है वो ऐसे है कि इफ यू रिमेम्बर इन द फिजिकल क्लास, तो चले मैं इस पिक्चर को एक्सप्लेन करता हूँ। थेरेपिस्ट ने पहले अपने राइट हैंड की पिसिफॉर्म बोन रखी हुई है जिस फेसेट जॉइंट को अनलॉक करना है, नंबर वन थिंग। तो राइट हैंड जो थेरेपिस्ट का है वो राइट हैंड के हैंड की जो पिसिफॉर्म बोन है वो थेरेपिस्ट ने जिस फेसेट जॉइंट को मैनिपुलेट करना है उसके ऊपर रखा, और लेफ्ट हैंड अपने राइट हैंड के ऊपर रखा, सिंपल इज दैट। तो पहला स्टेप क्या होगा, पहले ये क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, राइट हिप की तरफ रोटेट करेगा, किसको, अपने पिसिफॉर्म बोन को, ताकि स्किन हट जाए, स्पाइनल हट जाए और आप डायरेक्टली ट्रांसवर्स प्रोसेस या फेसेट जॉइंट के ऊपर आओ। नंबर टू,
जो दूसरा हाथ है वो एग्जैक्टली राइट हाथ के ऊपर है, और आपने जो थ्रस्ट देना है वो आपने एज इट इज डाउनवर्ड देना है अपनी बॉडी से। अब अगर आप गौर से देखो तो जो थेरेपिस्ट का राइट हैंड है उसी के ऊपर उसका सीना पड़ा हुआ है, तो आपने जिस डायरेक्शन में उसका हाथ है उसी डायरेक्शन में नीचे जाओगे, मीडियली एंड डाउनवर्ड। इज इट क्लियर? तो दिस इज हाउ यू अप्लाई द थ्रस्ट। ओके, और कोई क्वेश्चन किसी का? जी जनाब, किसी का अगर कोई क्वेश्चन नहीं है। सर, ये जो एक्सटेंशन हो रही है एंटीरियर साइड ऑफ स्पाइन पे, देखिए एग्जैक्टली पॉइंट वही है अपन, लेकिन एक्सटेंशन क्या है बेसिकली? जब एक्सटेंशन आपकी होती है तो स्पाइन आपकी पीछे की तरफ आएगी, लेकिन जो आपकी लंबर स्पाइन का कर्व है वो आगे की तरफ जाएगा ना बेसिकली। तो दिस इज व्हाई दिस इज कॉल्ड एक्सटेंशन, नंबर वन थिंग। नंबर टू, एक्सटेंशन की बायोमैकेनिकली एक और डेफिनेशन है। जब आपका एक स्पाइनस प्रोसेस दूसरे स्पाइनस प्रोसेस के करीब आएगा, तो जब आप L1, 2, 3, 4, 5, L3 के ऊपर अगर आप हाथ रख के उसको नीचे की तरफ ले जाओगे, तो बेसिकली स्पेस कम होगा, स्पाइनस प्रोसेस एक दूसरे से कम करीब होंगे, तो बायोमैकेनिकली दिस इज कॉल्ड एक्सटेंशन। इज इट क्लियर? तो बेसिकली वो एक्सटेंशन हो रही है, चाहे आप यूनिलेटरली ले जाओ या सेंट्रली मोबिलाइज कर लो या मैनिपुलेट कर लो। ओके, हो गया। तो मेरा ये मशवरा है कि हम आज बच्चे भी कम हैं, तो इस मेरे ख्याल से लेक्चर को यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। बाकी जो 3 डेविएशन की टेक्निक्स रहती हैं, या तो वो हम कल कर लें, क्योंकि कल भी बच्चा कंफ्यूज होगा, फिर वो समझ नहीं पाएगा, तो फिर वो अगेन एंड अगेन क्वेश्चन करेंगे। और मेरा ये दूसरा मशवरा है कि इन 6 टेक्निक्स को, प्रेजेंटेशन आप लोगों के पास है, आप एक बार इसको गो थ्रू करो डिटेल में। अगर इन 6 में से कोई क्वेश्चन नहीं बनता तो कल हम आगे इसको प्रोसीड करेंगे। तो मेरा मशवरा ये है कि यहाँ तक ये है कि आप इस चीज को समझ भी सको। कल सेम इसी टाइम 10 बजे हम ऑनलाइन हो जाएंगे, एंड देन सी यू टुमारो। तो डू लेट मी नो कि एक ऑप्शन है कि हम इसको यहाँ पर वाइंड अप कर लें, हम आगे प्रोसीड करें, और दूसरा इंशाल्लाह ईद के बाद जो आपकी फिजिकल क्लासेस की डेट्स हैं 19, 22 और 21 अप्रैल है, वेन्यू वही यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ ओशिया होगी, लेकिन फिर भी मैं अनाउंस कर दूंगा फिजिकल क्लासेस है। और दूसरा 19-20 को क्लासेस होंगी, 21 अप्रैल को सुबह में क्लास होगी संडे वाले दिन, और शाम को हम इसकी क्लोजिंग सेरेमनी करेंगे। क्यों? इफ यू रिमेम्बर कि ये आपकी लास्ट क्लास होगी फिजिकल की, तो आपको क्लोजिंग सेरेमनी आपकी हो जाएगी, लेकिन उसके बाद भी आपकी कुछ ऑनलाइन क्लासेस रहती होंगी, वो हम उसके बाद भी कर देंगे। चले, ये तो बात की बात, हम इसको अनाउंस करते रहेंगे। तो मीटिंग को हम यहाँ पे एंड कर रहे हैं, और रिकॉर्डिंग एज यूजल मैं अपलोड कर दूंगा आज या कल, और कल आप लोगों को लिंक मिल जाएगा। बाकी जो 3 टेक्निक्स हैं, सीरेक्स और कल मिकेन्जी का कॉन्सेप्ट, वो इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे। तो अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं इसको यहाँ पे वाइंड अप करना पड़ रहा हूँ। ठीक है, हो गया जनाब। अगर किसी ने कुछ पूछना है तो यू कैन आस्क मी हियर, अदरवाइज वी आर एंडिंग हियर। स्लाइड मैं भी शेयर कर देता हूँ, नो इश्यू। ओके जी, तो मीटिंग को एंड करते हैं, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। ठीक है जनाब, ओके, अल्लाह हाफिज़।